देश में अपराध है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। योगी सरकार के सख्त रुख के बावजूद सूबे में अपराधियों के हौसले बढ़े हुए। रविवार को ही लॉकडाउन की सख्ती के बावजूद कासगंज जिले में अपराधियों ने प्रधान के परिवार पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिससे तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस खबर के सामने आते ही सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला। अखिलेश यादव ने कासगंज वारदात का मुद्दा उठाते हुए ट्वीट किया, कासगंज जिले में एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्याओं से प्रदेश दहल गया, हत्यारों के फरार होने की खबर है। यूपी में धारावाहिक आपराधिक घटनाओं को देखकर लगता है कि प्रदेश की बागडोर अब शायद भाजपा सरकार के हाथ से निकलकर बदमाशों के हाथों में चली गई। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।